किन्नर चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय, अरे मनहूस औरत, मेरी दुकान में अपशुकन करवाने आ गई क्या है? चल जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा निकल। भैया जी ऐसा मत कहिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाने की बहुत जरूरत है, मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहाँ से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ, मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है। पर अफसोस, कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। अरे तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे? अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे, वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों, वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है, मैं एक बार वहां जाकर घूम कर आऊं। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहां से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी ऐसा कैसे कह सकती है, उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा, अब तो मैं उस इलाके में जरूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है। जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं, इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस। तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है और मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ
तो वो समझ जाएंगी कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है, तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल चला दी, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष ना करे, उससे नफरत ना करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं ऐसा ही करूंगा, तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं।